नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। कल जब इस बच्ची ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये चित्र भेंट किया, उसके बाद ये बच्ची हर जगह चर्चा में आई। आज के कई अखबारों में इसने सुर्खियां बटोरी। आइए आज आपको मिलाते हैं इस बच्ची से। इसका नाम है कोपल। कोपल पढ़ती है इंद्रप्रस्था इंटरनेशनल स्कूल द्वारका में और ये 9वीं कक्षा यानी कि 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के दौरान हम दो तीन चीज़ें बताएंगे। एक तो ये कि कोपल का क्या एक्सपीरियंस रहा, दूसरा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोपल से क्या पूछा, क्या बात की, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि साफ लग रहा था वो उससे कुछ जानना चाह रहे हैं, और उसके बाद कोपल कहाँ से ये चीज़ सीख रही है और इसके जो पीछे इसके पेरेंट्स हैं वो इसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। कोपल, सबसे पहले तो कल आपका जो एक्सपीरियंस था जब आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं का एक चित्र भेंट किया, कैसा रहा? मेरे को लग रहा था कि मैंने ये क्या बना के दे रही हूँ। मैं उनको वो चीज़ दे रही हूँ जो वो हर सुबह अपने शीशे में तो देखते ही होंगे, लेकिन मैंने दे दिया और मुझे अच्छा लगा कि मेरी जो मेहनत थी वो उनके हाथों तक पहुँच गई, तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे देते हुए। जब आप स्टेज पे जा रहे थे उनको वो देने के लिए तो कुछ क्या फील हो रहा? थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि स्टेज पर मैं अपनी आंखें कैमरा या फिर जो लाइटिंग थी उस पे सेट कर लूंगी, नीचे देखूंगी नहीं कि कितने लोग देख रहे हैं। आपने मोदी जी को देखा ध्यान से? देखा ध्यान से। अच्छा कोपल, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जब आप उनको पेंटिंग गिफ्ट कर रहे थे, उनको दे रहे थे, उस समय उन्होंने आपसे कुछ सवाल किए, कुछ बात कर रहे थे वो आपसे, क्या बातचीत हुई? उन्होंने मुझसे दो प्रश्न पूछे थे। पहले तो ये पूछा था कि मैंने ये कितना टाइम लगा मुझे ये बताने, इसको बनाने में, इस पूरी चित्र को। तो फिर उसको तो मैंने जवाब दे दिया कि मैंने 2-3 महीनों में ये बनाई। और जो दूसरा सवाल था कि मैं क्या पढ़ती हूँ, तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैं 9th क्लास में हूँ। आपने जैसे बोला आपको समय लगा इस पेंटिंग को बनाने में, तो क्या आप पेंटिंग बनाना सीख रहे थे? हाँ, मैं कला भूमि से सीख रही हूँ, वो एक आर्ट क्लास है, और अभी मैं फाउंडेशन कोर्स में हूँ लेवल 1 पे। तो वहाँ पर मैंने अभी तक ग्राफाइट, चारकोल, जनरल सीख लिया है और अभी बेसिक्स चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ से रियलिज्म करना सीखा और इन्होंने जो मुझे टीचिंग्स दी उनके बेसिस पर मैंने मोदी जी का फेस। तो ये सब हमारे बीच में वो शख्स भी हैं कोपल, जिनसे या जिस जगह पर पेंटिंग या आर्ट सीख रही है, मैं आपको मिलाता हूं उनसे। सो व्यूअर्स, अब आपको मिलाते हैं उस शख्स से जिससे कि कोपल पेंटिंग बनाना सीख रही है। ये हमारे बीच में असगर जी। असगर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। असगर जी, कल आपकी एक स्टूडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पेंटिंग भेंट की, कैसा लग रहा है आपको? सर, काफी प्राउड मोमेंट है। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो एक ऐसी शख्सियत जो कि मतलब विख्यात है, उनका चेहरा वो भी सामने हूबहू देखना, और लकीली बहुत अच्छा है सर मेरे लिए कि मेरा बच्चा ही उस लाइव चीज़ को जी पाया, उस मोमेंट को जो है जी पाया। क्योंकि एक्चुअल में जो मोदी साहब के चेहरे पे जो तेज है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो मतलब वो छवि ही अगर सामने आ जाए तो सर मतलब माशाल्लाह, जिसे कहते हैं ना कि मतलब साक्षात आपने जो है कुछ चीज आपने अचीव कर लिया है। अच्छा, ये कोपल, अभी हम आपसे ये भी जो आपने बोला इस पे मैं कोपल से ही बात करूंगा, लेकिन एक चीज आप बताएं, ये जो कोपल सीख रही है अभी, इसके अब तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसने क्या सीखा और क्या दिया, क्योंकि जो इसने चित्र दिया वो अपने आप में उस बात की गवाही देता है। कैसा है, क्या लगता है आपको इसका? सर देखिए, बेसिकली जो फाइन आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स में अगर बात करें तो काफी बड़ा हब है, जिसमें डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और मतलब काफ़ी बड़ा मतलब जिसे कहते हैं फील्ड तो काफ़ी सारी आती हैं। बेसिकली जो बच्चे हमारे पास जो स्कूल लेवल के आते हैं वो लेवल 1 लेवल 2 जो है अपना लेते हैं हमारे पास, जो कि पूरा फाउंडेशन होता है 1 ईयर फाउंडेशन। और ये बच्चा अभी लेवल 1 पे ही है, और लेवल 1 पे अगर मैं बच्चे की आपको बताऊँ तो बच्चा मतलब विद इन हाफ एन आवर में आपका पोर्ट्रेट भी बच्चा बना देगा, स्केच बना देगा। और रही बात कैरेक्टर की, तो मे बी ये जो पोर्ट्रेट बनाया गया ये 2 मंथ्स के आसपास पूरा बच्चे ने मतलब उस चेहरे की जो शाइन है, जो जिसे कहते हैं जो तेज है, उसको काफ़ी अच्छे से जो है उस बच्चे ने जो है रोया है, जो कि ग्रेफाइट और चारकोल मीडियम में है।
तो वीरा साहब ने सुना कोपल जहाँ से ये सब कुछ बनाना आर्ट सीख रही है उसके जो सर हैं असगर अली जी, उन्होंने क्या कहा, अब आपको मिलवाना चाहूँगा कोपल की माता जी से, जो कि किसी भी बच्चे के लिए मुझे ऐसा लगता है जब वो पढ़ाई कर रहा होता है और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाता है तो पेरेंट्स की उस पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आइए आपको मिलाते हैं कोपल की मदर से। ये अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनु जी जो कि कोपल की मदर हैं। अनु जी मतलब मैं ये तो पूछना है क्या पूछना चाहिए नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि आपको कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा, लेकिन क्या फील हो रहा था जब आप देख रही थी उसको पेंटिंग देते हुए? बहुत एक कंटेंटमेंट और बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, और बच्चा जो बच्चे का इंटरेस्ट है जो इसने मेहनत की है वो सामने था। मैं आँखों में तो उस टाइम टीयर्स थे, एक अंदर से बहुत खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, एक प्राउड मोमेंट था सर। ये सभी के लिए प्राउड मोमेंट था। और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जनरली अब जैसे नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, स्कूल की पढ़ाई का भी प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपने इसको क्यों पेंटिंग में डाल दिया? पढ़ लिख जाती कुछ और कर लेती, कहाँ पेंटिंग में डाल दिया? जी सर, सर इसका ये आर्ट में बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट है, एक हॉबी रही है इसकी, और उस हॉबी को निखार जो दिया, जो इसको मिला वो कलाभूमि से मिला सर। हमने बहुत सर्च किया तब हमें बेस्ट इंस्टीट्यूट कलाभूमि मिला, वहाँ इसने बहुत कुछ सीखा सर, जो इसका इंटरेस्ट हॉबी थी उसको इसने डेवलप कर लिया, इम्प्रूव कर लिया। ये बच्चे आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में बच्चे मीडिया लाइक फोन्स गैजेट्स टीवी से मतलब चिपक जाते हैं, तो आर्ट एक मैं मानती हूँ बहुत अच्छा माध्यम मुझे लगा कि, और स्पोर्ट्स भी होता है तो ये उन चीज़ों से बच्चे को थोड़ा सा डिस्टेंस मिल जाता है, बच्चा एंगेज हो जाता है आर्ट में। और सर ये तो हमारे भारतीय सभ्यता में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि कला जो है, कला व्यक्तित्व को निखारती है, तो सर बस हमने भी वही कोशिश की है कि बच्चा अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज कर सके, वेस्ट ना करे टाइम। बाकी पढ़ाई तो इसकी कंटिन्यू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अनु जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जो भी पेरेंट्स हैं मैं समझता हूँ अगर उन समझें इस बात को, उन्होंने बोला कि ये जो बाकी चीज़ें ना सोशल मीडिया मोबाइल इन सब से कहीं ना कहीं बचाने का एक ये भी तरीका है कि बच्चे को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें डालें ताकि वो अपने समय को बेहतर यूटिलाइज कर पाए। अनु जी अब सिर्फ आखिरी में आपसे एक चीज़ पूछूंगा, मतलब कल पेंटिंग देने के बाद अभी जश्न चल रहा है और कब तक चलेगा? सर खुशी जश्न कभी कम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा चलता रहेगा, बच्चा आगे बढ़ता रहेगा, और कला भूमि का सपोर्ट है था और हमेशा रहेगा, तो बच्चा सर बहुत ऊंचाइयां छुएगा, हमारी यही ब्लेसिंग्स है। अच्छा कोपल आपसे एक चीज़ आखिरी में लेना चाहूँगा, आप बेटा पढ़ाई भी कर रहे हो और स्कूल का भी बड़ा काम होता है, हमने तो सुना बहुत सारा होमवर्क बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे टाइम में शायद नहीं होती थी, कैसे हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो पेंटिंग भी और पढ़ाई भी? मैनेज करने की कोई ज़्यादा बात नहीं है क्योंकि लाइक पेंटिंग ड्राइंग ये सब मुझे, मैं इसलिए करती हूँ कि मज़े आते हैं, बेसिकली एक नॉर्मल चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि लाइक जिस चीज़ में मज़े आते हैं उसको प्रेशर मानने का क्या, प्रेशर कैसे मान सकते जब मज़े आ रहे हैं करने में। स्कूल का काम साइड बाय साइड चलते रहता है और रात को अगर मैं बोर हो रही हूँ, टीवी तो मम्मा देखने नहीं देंगी, तो रात को बोर हो रही हूँ स्केचबुक उठाओ और कुछ भी ड्रॉ करने लग जाओ, प्रेशर कहाँ है, बस मेरे लिए एक गेम है ये, मजे आते हैं करने में तो मैं करती हूँ, कोई प्रेशर नहीं है। बहुत बढ़िया कोपल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। सो वियर्स बहुत लोगों के मन में ये था कि बच्ची कौन है जिसने प्रधानमंत्री को उनका चित्र भेंट किया, आपने आज इससे मुलाकात की और हमारी पूरी ब्लेसिंग्स हैं कोपल आपके साथ, और हमारे व्यूअर्स की भी ब्लेसिंग रहेंगी आपके साथ कि आप आगे जीवन में बहुत तरक्की करें, खूब आगे जाएं, अपना अपने परिवार का द्वारका का देश का नाम रोशन। तो व्यूअर्स अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।